जाके हो, है ना। एक्चुअली में रियल में क्या ये जगह क्यों आता है देखो, तो ये जो थ्री माउंटेन है ना सर, ये वन, ये टू और ये थ्री, ये थ्री माउंटेन एक्चुअली में थ्री कंट्रीज था सर। ये देखिए सिक्किम जो 1975 से पहले एक अलग कंट्री था, तो वहीं से आए। हाँ, ये सिक्किम है जो हम लोग इस तरफ अभी हम लोग वो रास्ते पे है ना। ये NS 31A था पहले, 31A नेशनल हाईवे था, लेकिन अभी इसका नंबर चेंज हो गया, अभी NS 10 हो गया। तो हम लोग वो रास्ते से आए, मैंने वहाँ से बताया था ना। तो ये देखिए ये साइड देखिए, ये सिक्किम जो 1975 से पहले एक अलग कंट्री था, ठीक है ना सर। और ये पार्ट देखिए, ये पार्ट है कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट, पहले ये दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट था दार्जिलिंग, अभी ममता बनर्जी ने अलग कर दिया, ये कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट। तो वो ऊपर जो क्लाउड दिख रहा ना, वो ऊपर में कालिम्पोंग टाउन बसा है, और ये कालिम्पोंग पहले आता था भूटान के अंडर में, ठीक है ना। तो आज के डेट में भी कालिम्पोंग में कुछ हिस्सा है जो भूटान का अभी पैलेस भी है, ठीक है ना। तो ये अभी जो हम लोग पहाड़ खड़े हैं अप टू दार्जिलिंग, ये सब पहले नेपाल में हुआ करता था, और सिक्किम में भी था, है ना। लेकिन दार्जिलिंग का रियल नाम है गुंद्री बाजार, जब नेपाल में था ना इसका नाम था गुंद्री, बाद में इसका नाम हो गया दार्जिलिंगा, अभी 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 हो गया दार्जिलिंग। तो ये कालिम्पोंग का रियल नाम है कोलेनबुंग के बाद कालेबुंग हो गया, उसके बाद थोड़ा फैशनेबल कालिम्पोंग बोलने लगा ना। तो इस तरह से ये तीनों पहाड़ तीन देश हो गया। अब ये देखिए दो नदी, मैंने बोला था आपको हर समय ये दो नदी दो कलर में आता है, आज भी देखिए कलर नदी का दो ही लग रहा है ना, ध्यान से देखिए। हाँ, ये डार्क है, वो लाइट है। इसका रीजन ये है, ये दोनों नदी दो साइड से आते हैं, यानी कि दो कंट्री टच होके आते हैं। ये बड़ा वाला जो नदी सीधा आ रहा है ना, ये आगे यहाँ से आगे नॉर्थ सिक्किम के आगे 0.0, इसके आगे तो तिब्बत बॉर्डर है, और तिब्बत अभी चाइना ने कैप्चर किया 1951 में, तो 1951 में चाइना ने तिब्बत को कैप्चर किया ना। तो ये नदी आता है वहाँ से, चाइना से, तिब्बत से। तो सुनने में आ रहा है तिब्बत में इस नदी का नाम बोलते हैं वांगसू, और इंडिया में आता है इसका नाम होता है रिवर टीस्टा। और टीस्टा का मीनिंग आप लोग को मालूम है क्या? टीस्टा का मीनिंग है पवित्र, स्वच्छ, सुंदर। तो बंगाली में बेटी का नाम टीस्टा रखते हैं ना, तो टीस्टा, यस, निर्मल, पवित्र। तो ये आइस वाटर है, ये बहुत ठंडा है। और ये नदी में एक मछली मिलता है, इसका नाम है गोल्डन ट्राउट, जिसको हम लोग असला बोलते हैं, और वो बहुत कॉस्टली होते हैं। अब ये दोस्तों वाला नदी है, वो देखिए राफ्टिंग कर रहा है ना, हाँ, वो देखिए वो राफ्टिंग हो रहा है ना। अभी इस टाइम में राफ्टिंग नहीं हो रहा, अभी ये चाइना वाले में नहीं हो रहा है, नेपाल वाले में हो रहा है। तो ये नदी आता है आपका इधर, ये क्या नाम है? वही तो, ये नदी आता है इधर वेस्ट सिक्किम में, नेपाल बॉर्डर है। ये नदी का नाम हो गया रंगीत। और इधर चाइना, टीस्टा को हम लोग लड़की मानते हैं, रंगीत को लड़का मानते हैं, ठीक है ना। यहाँ का लोग टीस्टा नदी को लड़की मानते हैं, रंगीत को लड़का मानते हैं। और ये जगह पे आप लोग भी मकर संक्रांति मनाते होंगे, है ना। तो हम लोग का यहाँ मकर संक्रांति का मेला लगता है 15 दिन का, बहुत जगह से लोग आते हैं। अब देखिए टीस्टा रंगीत का मिलन यहाँ हो गया ना। अब ये नदी ठीक यहाँ से 1 घंटे के बाद जाएगा, सामने में जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है, चांगड़ा बंदा। तो ये नदी जैसे बांग्लादेश में जाएगा, टीस्टा रिवर का नाम चेंज हो जाएगा जमुना, क्या होगा? जमुना। तो बांग्लादेश में जो जमुना रिवर है वो टीस्टा को जमुना बोलते हैं। और इसमें अभी थोड़ा कंट्री वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ बांग्लादेश का थोड़ा अनबन भी हो रहा है ये नदी के ऊपर, क्योंकि ये पानी अभी बंगाल में क्या हुआ, थोड़ा हाइड्रल प्रोजेक्ट बना दिया ना। तो अभी जो जगह में बैठ के आपको गाइड कर रहा हूँ ना, यहाँ में ये जगह में कौन कौन आके खड़ा था आपको मालूम? अमिताभ बच्चन साहब, बरसात की एक रात, राजेश खन्ना साहब, आराधना, ठीक है ना। इसी तरह जोएल थी, लहू के दो रंग, जो जीता, बहुत सारा हीरो लोग यहाँ में शूटिंग करके किया है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, एक मूवी में इसका पूरा क्लियर सीन है, कौन सा बोले तो बरसात की एक रात, सर ने देखा है। हाँ, इसमें अमिताभ बच्चन का गाने है ना, वो गाने है ना, अपने प्यार के, वाह वाह बोलिए ना मैडम, इतना अच्छा गा रहा हूँ।